नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही रहस्यमय और तीव्र हनुमान शाबर मंत्र के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि इसे किस प्रकार सिद्ध करना है और कैसे प्रयोग करना है। ये मंत्र बहुत बहुत खास है दोस्तों, बेहद प्रभावशाली और अकाट्य मंत्र है। इस शाबर मंत्र से जो सुरक्षा घेरा आपके चारों तरफ बनता है, उसको बड़े से बड़ा तांत्रिक हो, बड़े से बड़ा आपका शत्रु हो, या इस पृथ्वी पर कोई भी ऊर्जा है जो नकारात्मक मकसद रखती है, आपको क्षति पहुंचाना चाहती है, वो बलहीन है सुरक्षा कवच के आगे फीके हैं। क्योंकि इस शाबर मंत्र के जपते ही बजरंगबली स्वयं आपकी रक्षा करते हैं, आपको हर संकट से बचाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। साथ ही साधनाओं में सुरक्षा घेरा बनाने के लिए ये मंत्र बेहद प्रभावशाली और सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप बड़ी से बड़ी तीव्र से तीव्र प्रचंड साधना भी अगर आप कर रहे हैं, तो इस मंत्र से एक सुरक्षा घेरा बना लें। कोई भी और कैसी भी नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती और आप निश्चिंत होकर अपनी साधना कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ओम नमो वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमत रखवाला। आइए अब जानते हैं कि इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है। बहुत ही सरलता से और अति शीघ्र ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र को आप ग्रहण काल में, दिवाली की रात्रि या होली में सिद्ध करें। सिद्ध करने के लिए आपको सर्वप्रथम गणेश पूजन करना है। ओम गं गणपति नमः की एक मंत्र माला जप कर लें, भगवान गणेश से अपनी साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगें। फिर आपको गुरु मंत्र का जप करना है एक माला। अपने गुरु को प्रणाम करें और साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगें। उसके बाद इस मंत्र की 11 माला आपको जप करना है, रुद्राक्ष की माला से जप करनी है। और बूंदी के लड्डू आपको इस साधना में बजरंगबली को भोग लगाना है। 4 बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं बजरंगबली को। जब आपकी 11 माला जप पूरा हो जाता है, तो क्षमा याचना जरूर करें बजरंगबली से और साधना की सिद्धि के लिए बजरंगबली से प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये सरलतम विधि है इस मंत्र को सिद्ध करने की, और इस विधि से करने के बाद ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। तो ये तो था सिद्ध करने का विधान। अब आइए जानते हैं कि इस मंत्र का प्रयोग आप कैसे करेंगे। बहुत तरह से आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कोई भी साधना कर रहे हैं, प्रचंड साधनाएं आप कर रहे हैं, तो निश्चिंत होकर आप करें, क्योंकि ये सुरक्षा घेरा जैसे आप बनाएंगे साधना के लिए, तो कोई भी व्यवधान आपको छू नहीं सकता। तो सुरक्षा घेरा बनाने के लिए इस मंत्र को 5 बार पढ़ते हुए चाकू से आप घेरा बना लें। अगर आप चाकू से घेरा बना रहे हैं, तो चाकू नया होना चाहिए, यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर चाकू नहीं है, तो अपनी उंगलियों से ही आप घेरा बना लें। उंगलियों से घेरा बनाते समय एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि उंगलियों को उठाना नहीं है, नहीं तो सुरक्षा घेरा पूर्ण नहीं माना जाता है। आप क्या करेंगे कि जो आपका आसन है, उसी में घूमते हुए अपनी उंगली से, जमीन में अपनी उंगली को रखते हुए आप जो सुरक्षा घेरा है उसे संपूर्ण करेंगे, उसे पूर्ण रूप से बनाएंगे। कोई भी व्यवधान आपको छू नहीं सकता, ये 100% गारंटी है। घर से बाहर जा रहे हैं तो इस मंत्र को 11 बार पढ़ते हुए आपको थोड़े से जल में फूंक मारनी है और फिर उस जल को अपने ऊपर छिड़क लेना है। अगर आप ऐसी जगह हैं जहां आपको डर लग रहा है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको फील हो रही है और जहां पर जल उपलब्ध नहीं है, जहां पर आप जल को अभिमंत्रित करें, तो आपको क्या करना है, इस मंत्र का मनी मन 11 बार जप करते हुए अपने पूरे शरीर पर हाथ फेर लें, बजरंगबली से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना करें। फिर देखिए, आप बड़े से बड़ा विरोधी टिक नहीं पाएगा आपके साथ, बड़े से बड़ा संकट छू नहीं पाएगा आपको। और घर के सदस्यों के लिए अगर आप चिंतित हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आप चिंतित हैं, घर के बच्चे या कोई भी घर का सदस्य गलत रास्ते पर चला गया है, तो उसके लिए भी ये मंत्र अकाट्य प्रभाव वाला है और बेहद अनुभूत है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपको क्या करना है कि इस मंत्र का 11 बार जप करते हुए जल को अभिमंत्रित कर लें और संबंधित व्यक्ति को पिला दे जिसकी सुरक्षा के लिए आप चिंतित हैं। मनीमन बजरंगबली से प्रार्थना करें, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए कि हे प्रभु, हे बजरंगबली, इस व्यक्ति के चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाएं कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, ग्रहों के नकारात्मक अशुभ प्रभाव उस व्यक्ति को छू नहीं पाए। उस व्यक्ति का नाम ले लेंगे और क्षमा प्रार्थना जरूर करें। जब आप 11 बार भी पढ़ते हैं इस मंत्र को, तो क्षमा प्रार्थना जरूर करें। ये उपाय पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाएगा।
तो दोस्तों, हर साधक को जो गहरी साधनाओं में रुचि रखते हैं, उन्हें इस शाबर मंत्र को अवश्य सिद्ध करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।